आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। खुले में मांस बिक्री को लेकर नगरपालिका सख्त, सीएमओ ने कहा स्लॉटर हाउस में लगाए दुकान। शहर में खुले में मांस बेच रहे व्यापारियों की शिकायत मिलने पर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगरपालिका द्वारा मांस विक्रय के लिए मार्केट उपलब्ध कराया गया है, इसके बाद भी निर्धारित स्थान पर दुकान न लगाते हुए खुले में मांस विक्रय किया जा रहा था। हालांकि अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के दौरान मांस विक्रय नहीं किया जा रहा है। उसके बाद अधिकारियों ने व्यापारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने बताया नगरपालिका ने निर्धारित स्थान पर स्लॉटर हाउस बनाया हुआ है, उसके बाद भी यहां वहां मांस विक्रय की दुकानें लगाई गई है। अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाइश देते हुए कहा कि स्लॉटर हाउस बनाया गया है, वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, नियमों का पालन कर दुकानें वहां शिफ्ट की जाए। सीएमओ कुशल सिंह डोडवे ने बताया कि शहरी क्षेत्र में खुले में मांस विक्रय नहीं किया जा सकता, व्यापारियों को समझाइश दी गई है। स्लॉटर हाउस में जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करेंगे, लेकिन दुकानें वहीं लगेंगी। स्लॉटर हाउस में पर्याप्त जगह है, शेड लगाकर मछली मार्केट का विकास भी किया जा सकता है। 30 व्यापारियों के अतिरिक्त भी अन्य व्यापारी आते हैं तो उन्हें स्थान दिया जाएगा। वहीं व्यापारियों ने बताया जो मार्केट व्यापारियों को दिया गया है वहां सुविधा घर की सुविधा नहीं है, साथ ही वहां पर अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जाए। साथ ही जो 50,000 रुपए की अमानत राशि जमा कराई जा रही है उसे कम किया जाए या उसे किश्तों में लिया जाए। सभी व्यापारी शासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। इस दौरान तहसीलदार डॉक्टर मुन्नार, सीएमओ कुशल सिंह डोडवे सहित नगरपालिका कर्मचारी मौजूद थे। आजाद न्यूज के लिए बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। सीएमओ साहब और नगरपालिका अपने तहसीलदार साहब आए थे मार्केट का ध्यान और मुर्गे की दुकान और मटन के लिए, बकरों की दुकानों के लिए हमने उनसे प्रस्ताव रखा कि सारा मार्केट के अंदर समस्या कुछ चढ़ाव लेटरिन बाथरूम और उसके बाद 50,000 का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, हमने इनको बोला कि 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो इसको कम किया जाए या फिर उसको किस्त में दिया जाए, हमारी ये मांग है। और कुछ मार्केट में गुरुवार के दिन मीटिंग का बोला है उन्होंने कि मीटिंग रखी जाएगी, वहाँ प्रस्ताव जो भी बात होगी वहाँ हो जाएगी। आप लोग वहाँ नए मटर मार्केट में शिफ्ट होंगे? शिफ्ट होने के लिए तैयार है, बाकी सब लोग आएंगे पूरे, मटर बकरा वाले और मुर्गे वाले सभी, तो हम एक जगह बैठने के लिए तैयार है, हम मना नहीं कर रहे, हम तो शासन का सहयोग करने के लिए तैयार। ठीक है, क्या नाम है आपका? अकील कुरैसी। हम लोगों ने व्यापारियों को बताया था कि आपको स्लॉटर हाउस में शिफ्ट होना, मछली मुर्गा और बकरा मार्केट सभी एक जगह पर 30 दुकानें आवंटित की जा रही है। हम लोगों ने अनाउंस कल करा दिया था कि आज अंतिम तिथि के बाद कोई भी खुले में नहीं बेचेगा, और चूँकि अभी भी लोग खुले में बेच रहे हैं, मात्र एक व्यापारी आया था नगर पालिका में संपर्क करने के लिए। हम लोगों को निरंतर आज तहसीलदार साहब के साथ में हम लोगों ने जो खुले में बेच रहे उनको समझाई थी कि पंचनामा भी बनाया। अब लोगों का कुछ ऐसी डिमांड है कि लेटरिन बाथरूम वगैरह नहीं है और चढ़ाव की कोई दिक्कत है, कोई राशि जमा कराने के लिए उनके पास कोई नियम निर्देश कोई अन्य जगह के हैं, इनको हम 2-3 दिनों के अंदर लिखित में सूचना देकर नगर पालिका में फिर से बुलाएंगे। उनके पास क्या निर्देश है और हमारे नगर पालिका अधिनियम में क्या निर्देश है सारे बताएंगे, क्योंकि खुले में मांस का विक्रय न्यूसेंस की श्रेणी में आता है, शहरी क्षेत्र में ये हो नहीं सकता। हम लोगों ने इनको समझाई की है और हम लोग अतिशीघ्र इनको इनसे चर्चा करके जो अव्यवस्था टाइप की चीज़ें होंगी उनको दुरुस्त करेंगे, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से स्लॉटर हाउस में ही शिफ्ट करेंगे। सर, एक ही स्लॉटर हाउस में मटन मुर्गा और मछली के तीनों व्यापारी शिफ्ट हो जाएंगे? हमारे पास जो बिल्डिंग बना है इसमें 30 दुकानें हैं, इसके अतिरिक्त हमारे पास पीछे खाली जगह है, वहाँ शेड आदि लगा के मछली मार्केट को भी डेवलप किया जा सकता है, लेटरिन बाथरूम वगैरह भी वहाँ बनाया जा सकता है, हमारे पास पर्याप्त जगह है। जितने भी व्यापारी लाइसेंसधारी है और जिन्होंने आवेदन किया नगर पालिका में उनकी संख्या भी 30 है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। कुल मिला के यही है कि हम लोगों को खुले में मटन विक्रय को रोकना है, क्योंकि ये न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। थैंक यू।